दोस्तों नमस्कार। आज हम 6 साल तक की उम्र के बच्चे जो मिट्टी, चौक, पुट्टी, लकड़ी, राख, रबर ऐसी चीज़ें खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए। ऐसे छोटे बच्चे ऐसी चीज़ें क्यों खाते हैं, इसका क्या कारण है, कहीं ये कोई बीमारी तो नहीं है, आज हम इस वीडियो में इस पे बात करेंगे। तो ये एक प्रकार का बच्चों में डिसऑर्डर है जिसको हम पाइका डिसऑर्डर कहते हैं। अगर हम इसके कारण की बात करें तो प्रमुखता से इसके दो कारण होते हैं, एक तो पैथोलॉजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल कारण की अगर हम बात करें तो ऐसे बच्चों में हो सकता है आयरन की कमी हो, जिंक की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, या कई बार ऐसे छोटे बच्चों में पेट में कीड़े होने की वजह से भी ऐसे छोटे बच्चे मिट्टी या अन्य जो चीज़ें नहीं खाने वाली हैं वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। पेट में कीड़े होने की वजह से छोटे बच्चों में मिनरल की, विटामिन्स की, आयरन, कैल्शियम और जिंक की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे के ब्रेन में इम्पल्सेस क्रिएट होती हैं और वो उसको मिट्टी या अन्य ऐसी चीज़ें जो नहीं खाना चाहिए उसको खाने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर हम इसके साइकोलॉजिकल कारण की बात करें तो न्यूक्लियर फैमिली, जो बच्चे माता पिता के साथ सिर्फ अकेले रह रहे होते हैं, या माता पिता का बच्चों के प्रति सही से ध्यान न देना, पुअर सुपरविजन, मेंटली अबनॉर्मल, ऐसे बच्चों में भी ऐसा देखने को मिलता है। जैसा कि हमने बताया कि यह एक डिसऑर्डर है जिसको पाइका डिसऑर्डर कहते हैं। जो बच्चे लंबे समय से मिट्टी या ना खाने वाली चीज़ें, लकड़ी, पुट्टी ऐसी चीज़ें खा रहे हों, तो ऐसे बच्चों का हमें क्या टेस्ट कराना चाहिए? ऐसे बच्चों का हमें CBC करा लेना है, आयरन प्रोफाइल करा लेना है, जिसमें हमें ये देखना है कि बच्चे में कहीं आयरन की कमी तो नहीं है, सीरम कैल्शियम करा लेना है, जिससे ये देख लेना है बच्चे में कहीं कैल्शियम की कमी तो नहीं, जिंक की कमी तो नहीं, बच्चे का स्टूल टेस्ट करा लेना है, यानी उसके मल यानी लैट्रिन की जाँच को करा लेना है, उसमें ये देखना है कि कहीं कोई कीड़े का एग तो नहीं, बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं पल रहे हैं जिसकी वजह से बच्चा मिट्टी या ऐसी चीज़ों को खा रहा है। हम इसके उपचार की बात करें तो हमें सबसे पहले इसका कारण ढूंढना है, किस कारण की वजह से बच्चा जो है मिट्टी या ना खाने वाली चीज़ों को खा रहा है। अगर बच्चा कैल्शियम, जिंक या आयरन की कमी की वजह से ऐसा कर रहा है तो हमें इसके सप्लीमेंट देना है, कैल्शियम का सिरप, आयरन का सिरप, मल्टीविटामिन सिरप, ऐसे सिरप हम दे सकते हैं। कई बार बच्चे के पेट में कीड़े की वजह से अगर ऐसा होता है तो हम बच्चे को डीवॉर्मिंग एजेंट, जैसे कि आपके मार्केट में बैंडी या जेंटल नाम से सिरप होता है जो 5 ml में 200 mg होता है, अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल अगर 2 साल से कम बच्चा है तो हम 5 ml देंगे उसको, यानी 200 mg। अगर 2 साल से ऊपर बच्चा है तो हम पूरा 400 mg यानी एक सिरप को एक बार में उसको पिलाएंगे। हमें ऐसे बच्चों को साइकोसोशल सपोर्ट देना है, हमें ऐसे बच्चों को मारना नहीं है, हमें ऐसे बच्चों को समझाना है क्या खाने वाली चीज़ें हैं, क्या नहीं खाने वाली चीज़ें हैं। अगर बच्चा थोड़ा बात को आपकी समझ सकता है तो उससे होने वाले दुष्प्रभाव को भी आप उसे बता सकते हैं। पाइका से होने वाले कॉम्प्लिकेशन यानी जटिलताओं की अगर हम बात करें तो ऐसे बच्चों में एनीमिया हो सकता है, कैल्शियम और आयरन की कमी हो सकती है जिससे बच्चे के शरीर का, मस्तिष्क का विकास रुक सकता है। ऐसे बच्चों में कब्ज हो सकता है, मिट्टी खाने की वजह से बाहर का इन्फेक्शन बच्चे के पेट में जाता है जिसकी वजह से कई बार डायरिया हो जाता है, ऐसे बच्चे का शारीरिक विकास कम हो जाता है। यदि आपका बच्चा भी ऐसी कोई भी चीज़, मिट्टी, चौक, पुट्टी, लकड़ी ऐसी कोई भी चीज़ खाता है तो हमें इसके कारण पे ध्यान देना है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।